लक्ष्मी माँ से धन संपत्ति के लिए प्रार्थना कर रहा है। उसके पास एक बड़ी कंपनी से डील आने वाली है। वो चाहता है कि उस डील से वो 10 लाख रुपीस कमा सके। वो प्रार्थना करने के बाद ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तभी अचानक उसकी माँ उसे आवाज देकर बुलाती है और कहती है बहू को हॉस्पिटल ले जाओ, चेकअप करवाना है। तो वो और उसकी पति हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ डॉक्टर्स पहले तो लिंग परीक्षण के लिए मना कर देते हैं और बाद में कुछ रिश्वत देता है वो आदमी, तो वो मान जाते हैं कि ये हो सकता है ये काम। लेकिन जांच में पता चलता है कि वो औरत एक लड़की को जन्म देने वाली है। वो रिपोर्ट लेकर घर पहुंचते हैं। रिपोर्ट देखकर उस आदमी की माँ बहुत खुश होती है, लेकिन पढ़ने के बाद शायद दुनिया में सबसे दुखी औरत। 2 दिन बाद उस आदमी का छोटा भाई सरस्वती मैया से प्रार्थना करता है और मैया मेरी मदद कीजिए, इस बार तो मुझे एग्जाम में पास करवा दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। तभी उसकी माँ उसकी भाभी को झड़कती है और कहती है तुम्हें इस बच्चे को गिराना होगा, देखो मेरे भी तो लड़के हैं, मेरे कुल की शान है, तुम्हारे कौम से भी मेरे कुल की शान ही जन्म लेनी चाहिए। और इतना कहने के बाद उस औरत के बच्चे को मार दिया जाता है। अब वो औरत एकदम अकेली बेजान सी हो गई थी और दुनिया की सबसे कमजोर औरत खुद को महसूस कर रही थी। उससे ऐसा लगता है कि दुर्गा मैया जो कि शक्ति का रूप है, एक औरत है जिन्होंने महिषासुर चंद्र इत्यादि राक्षसों का संहार किया, तो क्या मैं इतनी दुर्बल हो गई कि मेरी बेटी की रक्षा नहीं कर सकती मैं? दिखार है ऐसी औरत होने पर। बहुत रोने और परेशान होने के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां पुलिस स्टेशन में वो रिपोर्ट लिखवाती है नारी शोषण, लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या की। ऐसा केस दायर करवाने के बाद पुलिस उसको लेकर और महिला अध्यक्ष जी को लेकर उनके घर पहुंचती है। घर पहुंचकर उसकी सास और पति को गिरफ्तार करती है और साथ ही साथ में उस डॉक्टर को भी गिरफ्तार करती है। कोर्ट उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2015 दफा 498, लिंग परीक्षण एक्ट 1994 और शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दफा 313-314 के तहत 3 साल की जेल, 10,000 रुपए जुर्माना लगाती है। इतना सब कुछ होने के बाद एक क्वेश्चन ऑडियंस के लिए, क्वेश्चन ये है, मेरा प्रश्न इस तरह है दोस्तों, हमें धन चाहिए लक्ष्मी मैया की पूजा करते हैं, हमें विद्या चाहिए सरस्वती मैया की पूजा करते हैं, शक्ति चाहिए दुर्गा माँ की पूजा करते हैं, लेकिन जब बारी हमारे घर में होती है एक देवी होने की तो हम इतना क्यों घबराते हैं, क्यों हम उन्हें कौप में मार देते हैं, क्यों हम उन्हें कुएं में डाल देते हैं? अरे क्या मिलेगा दोस्तों हमें ऐसा कर? उन देवियों के बारे में जरा सोचिए जो आपके घर में नन्ना फरिश्ता बनकर आ रही है। ये हमारा मैसेज इस ड्रामा के थ्रू।